हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। और मैं हूं प्रज्वल सिंह, आपका केमिस्ट्री मेंटर। आपका बच्चों टॉप 10 क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम आपका क्लास 10 का पहला चैप्टर, जो कि बच्चों आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, उसके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम आपका देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। जैसे कि बच्चों हम स्टार्टिंग से ही आपको कहते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं कि हम स्टार्टिंग क्या करें, प्रेडिकल से करेंगे। बच्चों सब प्रेडिकल आपके सामने होगा और आप बच्चों जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं आपकी क्या रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, सबसे पहले इसे हम समझते हैं, फिर यहाँ पर इसके डिफिनेशन को लिखेंगे। प्रज्वल सर, हाँ बताइए, आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हाँ, ये रासायनिक अभिक्रिया है। हम अक्सर अपने दैनिक लाइफ में रासायनिक अभिक्रिया तो देख रहे हैं। तो प्रज्वल सर ये बताइए, रासायनिक अभिक्रिया आप दिखा सकते हैं प्रैक्टिकल से बच्चों? हाँ हाँ, यही चीज बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया हम आपको समझाएंगे बच्चों प्रैक्टिकल के माध्यम से। प्रज्वल सर ये आप क्या लाए हैं, ये बच्चों खिलौना दिखाने के लिए लाए क्या? अरे अनिकेत पाठक सर जी, ये तो आपको समझाने के लिए लेकर आए थे बच्चों के लिए। आप इसको उठा लिए हैं तो आपको हम इसे समझाते हैं। ये है क्या, ये लीजिए, ये देखिए बच्चों, ये आपका कागज है और इसको हमने एक डंडे के सहायता से फंसा रखा है, यहाँ पर रख रखा है। तो देखिए बच्चों, अब सबसे पहले हमने क्या क्या लिया, एक कागज लिया और ये बच्चों आपको दिख रही होगी, ये है माचिस की तीली, चूल्हे में आग लगाई और यहाँ पर बच्चों आपकी आग लगाएगी। देखिए, देख रहे बच्चों, ये आग जली और ये बच्चों हमने लगा दी यहाँ पर आग। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर धुआं भी निकल रहा है और बच्चों आपको क्या मिल रही है, राख मिल रही है। ऐसा है बच्चों, आप देख पा रहे, देखिए ये धुआं निकल रहा है ना बच्चों, ये धुआं और हमें राख मिल रही है। और क्रियाएं क्या किया बच्चों, हमने कागज लिया और कागज को हमने माचिस से जलाया, ये कागज ऑक्सीजन से रिएक्ट किया बच्चों। और इसके बाद आपका क्या मिल गया बच्चों, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बच्चों क्या है, आपकी राख है और ये देखिए बच्चों धुआं है। और धुआं और राख मिला तो मतलब कहने का कोई नया पदार्थ बना, ये कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ, इसी को बच्चों हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या अनिकेत सर आपको समझ में आई इतनी बातें? जी सर बिल्कुल, ये बात समझ में आ गया। तो ठीक है बच्चों, इसी तरह आपको प्रैक्टिकल हम आगे कराएंगे। अब बच्चों इसके डिफिनेशन की बात हम कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमारे प्रज्वल सर के द्वारा दिखाए गए प्रैक्टिकलों को देखने के लिए आप एक बार चैनल को जम के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे छोटे मोटे बड़े बड़े प्रैक्टिकल जो है प्रज्वल सर चुटकियों में कराते रहेंगे। तो मिलते हैं हम आपको अगले कुछ दूसरे प्रैक्टिकल के साथ, तब तक आप प्रज्वल सर के साथ केमिस्ट्री की क्लास को एंजॉय कीजिए और पढ़िए। तो ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, तो हमने समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो बच्चों क्या होती है, जब आपने कागज लिया और कागज को माचिस की सहायता से बच्चों जलाया तो कागज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाया बच्चों, राख बनाया। और क्या बनाया, आपका धुआं बनाया, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है बच्चों। तो अब बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो बच्चों वह प्रक्रिया जिसमें वह प्रक्रिया बच्चों जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बच्चों ये बातें आपको समझ में आई? तो ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों आपके एग्जाम्पल की।
उदाहरण। तो बच्चों आपने क्या लिया था, कागज। तो बच्चों आपने क्या लिया था, कागज। और वह कागज जब हमने माचिस से जलाया बच्चों, तो कागज बच्चों आपने लिया था मतलब सी। और बच्चों जब आपने उसे माचिस से जलाया मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बच्चों कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, किससे बच्चों, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तो सी और ओ टू है तो क्या बनाया बच्चों, सी ओ टू, क्या बनाया बच्चों, सी ओ टू। तो ये रही बच्चों आपकी रासायनिक अभिक्रिया। इतने रसायन में जैसे बच्चों हम आपके सामने खड़े हैं, अगर हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में उपस्थित जैसे कि बच्चों हम आपके सामने खड़े हैं, और यदि बच्चों ऑक्सीजन को हम इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में उपस्थित कार्बन से रिएक्ट करेगी। कार्बन कहां से मिलेगा बच्चों, तो ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, और रिएक्ट करेगी। और रिएक्ट करने के बाद बच्चों क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और बच्चों जल और बच्चों ऊर्जा बनाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, तो बच्चों उसे क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो कहने का मतलब कि बच्चों यही रासायनिक अभिक्रिया उसके लिए भी हम लिख सकते हैं। जैसे बच्चों हमने यहां पर एक धातु ले लिया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की अभिक्रिया बच्चों हम आपका करा दें किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है बच्चों आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपके मन में हो गया अगर डाउट, क्या बच्चों O2 यहां पर, ऑक्सीजन दो है, मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन हमने एक लिखा क्यों, तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 2, और ऑक्सीजन का बच्चों क्या होता है, 2 6, मतलब एक ऑक्सीजन जुड़ेगा केवल एक मैग्नीशियम के साथ, तो कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 2, तो 2 मैग्नीशियम लीजिए, 2 MgO, मतलब बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ठीक है बच्चों, ये आ रही है आपकी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं बच्चों आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।